सुनो खालसा बात हमारी, माल टेकरी हे जो भारी, तह ठह जावो देर न लावो, एह बिद हमरा हुक्म बजावो, दियो पता तह जाहे उखाड़ो, पांच हथ खोदो देर निवारो, तह ठह हमरो एह खजाना, दियो हुक्म एह बिद गुण खाना। हाँ जी सारयां नूं सति श्री अकाल दोस्तों, तुसीं साडे नाल नाल यात्रा कर रहे हो हजूर साहब सचखंड श्री नदेड़ साहब। तो अज जिस गुरद्वारा साहब के वल साडा काफिला वधदा जा रहा है, ये गुरद्वारा साहब है जी, गुरद्वारा माल टेकरी साहब। पहुँच चुके हैं जी गुरद्वारा माल टेकरी साहब, तो साडे नाल नाल तुहानू भी करवावांगे जी दर्शन, ते नाल दी नाल इत्थों दे इतिहास बारे भी चानना पावांगे। जो इतिहास दे विच दस्या गया है, ये गुरु घर वो थां है, गुरु साहब जी दे खजाने दी थां, दसम पातशाह जी ने इस जगह तो खजाना पुट के गुरद्वारा संगत साहब वाली थां जो कि नदेड़ शहर दे विच है, उस जगह ते ले जा के अपनिया फौजां नूं तनखाहां वंडियां। उस फौज नूं वंडिया जिहड़ी फौज पंजाब तो उन्हां दे नाल आई सी ते वापस पंजाब जाना सी, ते बाकी बचिया खजाना लिया के इस गुरद्वारा माल टेकरी साहब वाली जगह पर दब दिता। तो आख्या जदों 96 करोड़ खालसा प्रगट होगा उदों यह खजाना मुड़ प्रगट होगा, और 96 करोड़ खालसे की 2.5 दिन के लंगर के खर्च के खजाना काम आएगा। ता करके इस जगह का नाम रखिया माल टेकरी। माल का मतलब खजाना, तो टेकरी मतलब उची थां। सुनो खालसा बात हमारी, माल टेकरी हे जो भारी, तह ठह जावो देर न लावो, एह बिद हमरा हुक्म बजावो, दियो पता तह जाहे उखाड़ो, पांच हथ खोदो देर निवारो, तह ठह हमरो एह खजाना, दियो हुक्म एह बिद गुण खाना। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने यह हुक्म दिता भाई दया सिंह जी नूं ते भाई धर्म सिंह जी नूं ते उहदे नाल होर सिंघां नूं कि तुसीं उत्थे माल टेकरी जाओ ते उत्थों जाके खजाना पुट के लेके आओ, तां जो फौजां नूं तनखाहां देणियां सन, उस करके इस जगह तों उह खजाना पुटिया गया। ते इस पवित्र अस्थान दा नाम है जी गुरद्वारा माल टेकरी साहिब, कि माल दा मतलब खजाना, तो टेकरी मतलब उची जगह। तो इस पवित्र गुरद्वारा साहब के तुसी दर्शन कर रहे हो जी गुरद्वारा माल टेकरी साहब। थोड़ी दूरी ते मुसलमान फकीरां दियां मजारां हन। ये ओह मुसलमान फकीर सन दो भरा जिन्हां ने इस खजाने की राखी कीती गुरु साहब जी दे हुक्म दे अनुसार। इतिहास दे विच दस्या जांदा है कि वह खजाने की राखी करदे सन, कि जदों ये फकीर इस जगह की सेवा सफाई करदे सन तो हर रोज़ उन्हां नूं सवेरे सोने की एक मोहर लभ जांदी सी। ते बाकी इस जगह का सारा इतिहास इत्थों दे सेवादारां दे कोलों सरपण करते हाँ। ये सामने तुसी देख सकते हो, ये उन्हां दोवां मुसलमान भरावां दियां मजारां हन जिन्हां ने गुरु साहब जी दे इस खजाने की राखी कीती सी। छोटा पुराना सैयद यतीम शाह फकीरे दोनों सगे प्रास, एक करतारपुर जलंधर के रहने वाले जो छेवे पातशाह ने भेजी थी खजाने की राखी के लिए थी। एक खजाने की राखी किया करना, जड़ो मारिया करना, लकड़शा नूरो सोने के दो मोरे मिलिया कर, ऐसे पातशाह से लेके दसवीं पातशाह तक राखी की। अदा खजाना संगत साहब फौजों ने बांटिया और अदा खजाना पी के पास वहाँ तक लिया। तो ठीक है, मेरी जान जब तक रहेगी बराबर ये भी खजाने की राखी करूँगा लकड़शा ने जो अपनी।
ਇਹ ਦੱਖਣ ਕੇ ਮੁਗਲੋਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਕੜਸ਼ੇਪੀ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਕੇ ਤੰਕੀ ਲਕੜਸ਼ਾ ਮੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਸਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾ ਲਕੜਸ਼ਾ ਨੇ ਜੋਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲੇਤਾ ਤੁਝੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਲਕੜਸ਼ਾ ਕੋ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀ ਕੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਫਟ ਗਈ ਲਕੜਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਮੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ ਛੱਡਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਸੇ ਸੋਰੀ ਆ ਮੈਨੀ ਕਿਹਾ ਗੁਦਰੀ ਸੱਚਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਖਜਾਨੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੋਲੀ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗਲੇ ਜੋ 2.5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ ਉਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ये मुगल में जीने देगा मुझे जंदरों में बांध के रखिया मुझे पैरा रखिया तो तू ना घबरा मैं भी तेरे लिए जगह रखा ना दी धरती फाड़ी होगी फिर समान हमें इसी खानदान से नदी पीढ़ी चली आ रही बोले सोनी सत श्री अकाल जैसे कबीरती है जो भी तिलक मुंदी सेवा होगी ए पापा दे टोकरी पहुंची वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।